लोगों ने इसके पहले जो है लंबौत अक्ष के परिमेय के बारे में पढ़ा है। लंबौत अक्ष का परिमेय क्या है इसको उन्होंने देखा और समझा भी। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं समांतर अक्षों का परिमेय। समांतर अक्षों का परिमेय क्या है इसको देखेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं समांतर अक्ष। जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों का परिमेय। समांतर अक्ष का परिमेय क्या कहता है कि अगर एक कोई बॉडी है सेंटर ऑफ मास उसको बोलते हैं कि किसी भी बॉडी में वह अभिन्न जिस पर उस पिंड का समस्त भार कार्य करता है। किसी भी पिंड में वह बिंदु जिस पर उस पिंड का समस्त भार कार्य करता है उसी बिंदु को द्रव्यमान के या उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास कहा जाता है ठीक है। तो समांतर इसमें जो सेंटर ऑफ मास होता है सेंटर ऑफ मास के इससे अभाव निकालना है तो बहुत आसान है। क्या करें पिंड पिंड का द्रव्यमान निकाल लीजिए और इसके परिभ्रमण त्रिज्या से स्क्वायर से इसमें गुणा कर दीजिए तो ग्रंथफल आएगा वही क्या होगा वही इसका जो मिलेगा वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जब आपको निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हम लोग इसके ऊपर मान लीजिए जो एक्सिस है मान लीजिए वो गैस है तो सेंटर ऑफ मास से इसके अलावा अगर एक्सिस से मान लीजिए तो एक्सिस से ये एक्सिस ए बी और इस ए बी एक्सिस के परिभ्रमण में क्या करना है पूरा बात नहीं है तो कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास तो हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं समांतर अक्षों के परिमेय का प्रयोग करते हैं। समांतर अक्षों के परिमेय का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे ठीक है। तो आइए देखते हैं ये परिमेय करता क्या है। यहाँ देखिए कि पिंड में से इसी बिंदु से होकर से होकर गुजरने वाला से होकर एवं
द्रव्यमान केंद्र केंद्र से होकर केंद्र से होकर के बाद द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले सेंटर ऑफ मास आईसीएम और केंद्र की द्रव्यमान केंद्र की द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के लंबवत दूरी के वर्ग के आप क्या समझे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसमें आप ये पाएंगे कि दोनों पक्ष उनके बीच की लंबवत दूरी और लंबवत दूरी के बराबर इक्वल टू आईसीएम प्लस एम ए स्क्वायर ठीक है आई इक्वल टू आईसीएम प्लस एम ए स्क्वायर ये आईसीएम आप बनाए हैं जो जो ए एक्सिस है इसको बोलते हैं ये सेंटर ऑफ मास इससे इवाल्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है
उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है वो आईसीएम है। आईसीएम आप देख रहे हैं, उसको आईसीएम बोलते हैं, आईसीएम कहा गया, ठीक है। तो उस आईसीएम को जो है हम लोग आप देखेंगे, जो हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास है और एक है मास या मी स्क्वायर। इस तरह से आप पाएंगे कि जो जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जो ये दी गई एक्सिस के अबाउट डाला था, अब लिखेंगे यहाँ पर तीन बिंदु से, किसी बिंदु से होकर एवं द्रव्यमान बिंदु से होकर गुजरने वाले अक्ष के समानांतर समानांतर अक्ष के परिक्रमण आघूर्ण द्रव्यमान बिंदु से होकर गुजरने वाले अक्ष के परिक्रमण आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। क्या आप यहाँ पर मिलेगा कि आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम बी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इसको प्रूव करेंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा अभी जस्ट करेंगे, इसको प्रूव कैसे करना है, ठीक है। प्रूव करने का तरीका क्या होगा, तो आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे इसको प्रूव करना है। तो आप यहां लिखेंगे कि देखिए माना माना कि ICM और ICM तथा इस अक्ष के समानांतर अच्छा